अगले बरसाना है नानियों का। दिन में चैन नहीं, रात को नींद नहीं,
Oh,
విడిచింది చూడు నగమే తన వాసం. आज जिंदगी की भागदौड़ में हम बहुत आगे निकल रहे हैं, इतने आगे निकल रहे हैं कि हम कुछ चीज़ों को भूल गए. हम उनको भूल गए जो देखने में हमारे जैसे तो हैं लेकिन वो किसी शारीरिक रूप से अक्षम है. हाँ, उनके लिए मैं कुछ लाइनें मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं. आता है कि रोलू इतना जी में, आता है कि रोलू इतना कि आंसू ना बचे किसी की मैयत में लुटाने. उनके ये सूखे पत्ते उनके जज्बात हैं, कुछ और नहीं. कह दो इन हवाओं से ना बिखेरे उन सूखे पत्तों को, वो आज भी तड़पते हैं डालियों पे फिर से उगाने को. हम जिसको उन्होंने असोलो लाइन पाए नहीं, जिसके एक्ट में जरूर आपके रोकते खड़े करती हूँ.
शाम को आगे बढ़ाते हुए। अरे ये लक्ष्य कहाँ गया? लक्ष्य कहाँ था भाई? यार दिक्कत हो गई है। क्या हॉस्टल लेके पहुंचे हैं? कोई बॉयज हॉस्टल लेके पहुंचे हैं। एक लड़की आ गई है। क्या
सब पीछे ना। हाँ यार भाई मुझे तो इस लड़की से प्यार हो गया। मधु मरु प्रदेश में है जान, इस बात की थी हम सबको शान, पर इन दोनों ने जो रंग बिखेरे उसके बाद हो गया हमें भी अभिमान। भाई लक्ष्य तेरी इतनी अच्छी अच्छी शायरी सुन के मुझे भी बड़ी जोर की शायरी आ गई। भाई तू रहने ना यार, भाई तू यार सुनाने दे। चलो चलो मैंने इरशाद बोलिए इरशाद कि अपने गमों को बस दिल में दबा लो। वाह वाह, अपने गमों को बस दिल में दबा लो, नया गोदरेज हेयर डाई बस काटो गोलो और लगा लो। क्या बेगौर शायरी सुनना चाहेंगे? नहीं तो भी मैं सुनाई देता हूँ, ये पकाए बिना नहीं मानेगा। उस दिनों पहले हमारे यूनिवर्सिटी से ब्लड डोनेशन कैंप की एक आयोजन हुआ था, उसी पर एक शायरी है कि ब्लड डोनेट करने से पहले हमेशा अपना ब्लड ग्रुप जांचना, ब्लड डोनेट करने से पहले हमेशा अपना ब्लड ग्रुप जांचना, बसंती इन कुत्तों के साथ में मत जाना। कि पकाऊ शायरी को अगर रोका नहीं गया तो चलता रहेगा, इसलिए मैं नेक्स्ट परफॉर्मर को बुलाना चाहूंगा जो कि सोलो सॉन्ग के लिए अनुदान। प्लीज गिव हिम अ बिग हैंड, जोरदार ताली। Thank you.
गुलाबी आके कहते हैं, वरना आजकल तो ब्लू आइज का दौर है। सही कहा। अब लक्ष्य तो चला गया, मेघ तो और शायरी मान इरशाद। अरे आप इरशाद बोल दीजिए। दोस्तों आजकल महंगाई का दौर बहुत ही बुरा चल रहा है, तो उस पर एक शायरी है कि महंगाई के दौर में करना पड़ता है अपने खर्चे पर काबू। महंगाई के दौर में करना पड़ता है अपने खर्चे पर काबू। अरे एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। खैर हमारे बीच कोई रमेश बाबू अगर होंगे तो कृपया इसका बुरा ना माने। है क्या, चलो तुम बच गए। तो हमारी अगली परफॉर्मेंस है अ पोएम बाय वेंकटेश, निकनेम्ड एज वेंकी। जोरदार तालियां। हेलो, मेरा नाम वेंकटेश व्यास है। जैसे कि मैं इंजीनियरिंग का छात्र हूँ और उसके बाद मैकेनिकल, तो आप सब तो हाल तो जानते ही है मैकेनिकल का कम कितनी किल्लत होती है उसमें। हॉस्टल में गुजारा करने के लिए दूसरी ब्रांचेस के लड़कों को रूममेट बनाना पड़ता है और क्लास में बैक बेंचेस का साथ निभाना पड़ता है। तो उसी पे मेरी एक कविता प्रस्तुत है। आज है आरोहण की रात, सुन लो मेरे दिल की बात। सीनियर्स आपको याद दिलानी है बात पुरानी, बैक बेंचर एसोसिएशन की फी नींव है सजानी। बैक बेंचर्स पर बैठने का एक अलग ही मजा है, लेकिन कई बार उसी बैग की सजा है। क्लास में टीचर्स के बोरिंग लेसन्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुत्ते बिल्ली बन जाते हैं, फिर भी मन ना लगे तो बैक डोर से कैंटीन चले जाते हैं। पीछे बैठ के हनी सिंह के गाने गुनगुनाते हैं, फिर भी मन ना लगे तो क्लास के गेट के बाहर नजरें दौड़ाते हैं। प्रोफेशनल होने के बावजूद भी चप्पल में जाते हैं और शर्ट के साथ टी शर्ट का टशन दिखाते हैं। जैसे ही क्लास में इंटरेस्ट आता है कंबकत पास वाला फेसबुक चलाता है। क्लास से हम जैसे ही हॉस्टल आते हैं तो रोज रात को ईस्ट पार्क का खाना खाते हैं। जो होता है बर्थडे के दिन रात को बहुत चिल्लाते हैं और दूसरे दिन वार्डन सर गैलेंट्री अवार्ड रूम पर भिजवाते हैं। किस किस को मिलके हाथ खड़ा करते फटाफट। वार्डन सर देख लीजिए देख लीजिए। हमारे आगे पीछे बैठने वाले भी पुण्य प्राप्त करते हैं जब हम सभी सब्जेक्ट्स में ऑल क्लियर करते हैं। छोड़ नहीं सकते हम बैक बेंचेस का साथ, नहीं तो टॉप करने में है कौन सी बड़ी बात। तो इस बैक बेंचेस एसोसिएशन का नाम आगे है बढ़ाना और टॉप करने के बजाय पास पर पूरा ध्यान है लगाना। थैंक यू। पहचान तो यही होंगे, पहचाने तो पहचान करा देते हैं कि मिलते हैं वो और दुआ सलाम पूछा करते हैं। पहचान गए, मिलते हैं वो और दुआ सलाम पूछा करते हैं, दर्द दिल का हाल वो सलाम पूछा करते हैं। और इतनी शोहरत बहुत है मौला मेरी खातिर, इतनी शोहरत बहुत है मौला मेरी खातिर। सुना है मामा आया माँ महामाया के शहर में लोग पाठक का नाम पूछा करते हैं। भाइयों अभी तक बहुत अच्छी एक्टिंग चल रही थी और काफ़ी चुटकुले सुनाए। मैं कुछ गंभीर बातें करूंगा, चेहरे से भी लगते हैं हम गंभीर। चार्ली चैपलिन बहुत बड़े कलाकार रहे, उन्होंने एक बार कहा था कि मैं बारिश में टहलना चाहता हूं, मैं इसलिए बारिश में टहलना चाहता हूं ताकि लोग मेरे आंसू ना देख सकें। तो
तो कोई भी कलाकार चाहे मंच पर आता है, मंच के पीछे होता है, अगर संयोजक से आप कभी भी मिलिए, अभी जितने संयोजक से मिले, लोग आपके घर के बारे में नहीं पूछते, लोग आपकी तबीयत के बारे में नहीं पूछते, लोग पढ़ाई के बारे में नहीं पूछते, आपसे बस ये बोलते हैं कि बेटा आज मजा आ जाना चाहिए। तो इसी तरह एक बहुत अच्छा, मतलब आप अभी देखेंगे ड्रामा, एक है बहुत शानदार ड्रामा है, और मैं इसी शब्द के साथ केदार एंड ग्रुप को बुलाना चाहता हूँ कि वो आए और मैं ड्रामा से आपको शो कर दे, बेटी लाइक करें, धन्यवाद। फ्लैश ऑफ ठीक चल रहा है, बैटरी तो फुल चार्ज है, बैटरी का टेंशन। हेलो, नमस्कार, सलाम, आदाब। मैं हूँ जाके ले वहाँ बीच में आपका दोस्त नीचे बैठा था, हाँ नीचे सर है, कोई मना नहीं करेगा। जब आज की शाम हो गई है मस्ती के नाम, तो थोड़ी मस्ती और क्यों ना हो जाए। तो आपके सामने पेश है किनारन ग्रुप का ये कॉमेडी ड्रामा मस्ती की पाठशाला। तो देखते हैं, लगता है मास्टर जी आ रहे हैं, देखते हैं क्या करते हैं वो। बीच में से जाके लेते हैं, बीच में से जाके लेना। ओ बदतमीज, मैं इसी चाहेला
हाँ तो तुम समझदार मेरे को जानते हो? नहीं सर। मैं हूँ स्कूल का इंस्पेक्टर, मैं तुम्हें कुछ सवाल करूंगा, उनके तुम्हें जवाब देने हैं, ठीक है? जी सर। जी सर। तो चलो आप मुझे बताओ, आप में से सबसे होशियार कौन है? सर सर सर, मैं हूँ सबसे होशियार और इस पूरे क्लास में मैं फर्स्ट आता हूँ, फर्स्ट। अच्छा, अरे अरे सर, मेरा नाम होशियार सिंह है, इसलिए मैं होशियार हुआ ना। अच्छा जी सर। तो इनका नाम होशियार है इसलिए तो आप होशियार हो। सर हाँ, तो मुझे ये बताओ अमरीका कहाँ है? सर आज अमरीका तो आया ही नहीं सर, वो आपके डर से बाथरूम में छुपा हुआ है सर। अमरीका की बात कर रहा था, ठीक है तुम बैठ जाओ, मैं कोई दूसरा सवाल कर लेता हूँ। तो आप मुझे ये बताओ, द्रौपदी की चीरहरण किसने किया था? तुम बताओ। सर ऐसे बताएं सर, अब वो मेरा पिताजी ने खींचा था। क्या बात कर रहे हो? Well sir, that is the problem is the that Draupadi is my mother name is the. मुझे बताइए, आप मुझे बताओ आप बड़े होकर क्या करोगे? सर शादी करूंगा सर। अरे ये पूछ रहा हूँ, आप बड़े होकर क्या बनोगे? दूल्हा बनूंगा सर। दूल्हा? I mean to say, आप बड़े होकर क्या हासिल करना चाहते हो? दुल्हन सर। भगवान, मैं ये पूछ रहा हूँ आप अपनी माँ बाप के लिए क्या करोगे? मैं बहू लाऊंगा और क्या। अरे I mean to say, आप अपने माँ बाप तुमसे क्या चाहते हैं? हाँ सर, पोता सर। अरे अरे, तुम्हारे जिंदगी का मकसद क्या है? हाँ सर, हमारे तो क्या बात है। बैठ जाओ, कुछ नहीं यहाँ से बैठ जाओ। आपने तो बोला था खड़े हो जाओ, मैं तो अच्छा वाला बैठा ही था। अरे बैठ। सही बोला रे। सही बोलता हूँ यार। आप कौन? जी सर, मैं इस क्लास का टीचर हूँ, टीचर हूँ सर। अच्छा तो आप हो टीचर? हाँ सर, ऐसे ही कुछ सर। क्या पढ़ाया आपने इन्हें? नहीं सर, बहुत अच्छे बच्चे हैं सर, सबको जानते हैं, पूरा सिलेबस कम्प्लीट है, आप पूछे किसी से भी पूछिए। कुछ नहीं जानते, वो डिसिप्लिन तक नहीं जानते। अरे सब हमने ही नहीं दिया उनको, कहाँ से जानते। पूछिए आप, थोड़ा पूछिए उनसे। पूछ चुका हूँ, कोई कुछ नहीं जानता, तब भी मैं आपके लिए पूछता हूँ, ठीक है? तो आप मुझे बताओ, शिवजी का धनुष किसने तोड़ा था? सर शिवजी का धनुष, सर मैं तो क्लास नहीं आता, भगवान का सर ये आता सर रोज क्लास, इसी ने तोड़ा होगा सर। आप बताओ आप क्या जानते हो? मैं तो बहुत सीधा बच्चा हूँ सर। अच्छा तो तुम्हारा नाम लिया जा रहा है वहाँ से? सर झूठ बोलता रहता है सर, कुछ भी, हमें तो हर काम में मेरा ही नाम फंसा देता है। नहीं नहीं, तुम बैठ जाओ, तुम कुछ नहीं जानते, तुम बताओ। सर आप टेंशन मत लो सर, मैं अभी पुलिस स्टेशन जाके एफआईआर दर्ज करा गया। अरे बाप रे, क्या बच्चे हैं, क्या सर क्या बच्चे हैं। अरे सर कोई बात नहीं, भूल जाते हैं टूट के हवा गलती से इनसे। अरे आप मुझे रिश्वत दे रहे हो? अरे सर रिश्वत नहीं है, तुम्हारा प्यार। प्यार प्यार, देखो इनका प्यार। अरे बेटा बेटा सब कुछ क्या है ये? प्यार है मान, आपका प्यार ये क्या है? ये दूध है सर। दूध, दूध और इनका प्यार, ठीक है। थू थू, क्या है ये? पक्का हो गया, कहाँ से लाया ये दूध? सर रात को वो आई थी सर। कौन आई थी? वो पी गई सर। क्या आधा पी गई? सर रात को बिल्ली आई थी सर, आधा पी गई सर। अच्छा तो बिल्ली आई थी और आधा दूध पी गई, तो क्या हुआ? तो सर माँ ने बोला बचा दूध फेंक मत, मास्टर को ले जा,
उसे कौन सा पता चलने वाला है कि तू झूठा है बिल्ली का? आप तमीज ले, मेरे लिए ले तो झूठा सुन, चश्मा भी नहीं करना है देख। रोक तू रोक। अरे बेटा क्या हुआ, तुम रो मत, इधर आओ आप, तुम रो मत। क्या हुआ तुम्हें? सर मास्टर ने मेरा डिब्बा तोड़ दिया सर। तो क्या हुआ सर? मेरा छोटा भाई उसमें पेशाब करता था। गलती हो जाती है सब। हाँ ये गलती बच्चों की नहीं है बच्चे, गलती तो आपकी है। आप इनसे ऐसे सामान मंगवाते रहते हो घर से। नहीं नहीं नहीं, गलती तो हमारी है कि आपके जैसे शिक्षक हमने इनको बहाल करके रखे हैं, है ना सर? ऐसा है क्या? आइए थोड़ा मिल बैठ कर सेटल कर लेते हैं, क्या है घबराते? नहीं 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 नहीं, क्या सेटल सेटल बोल रहे हो? बहुत खराब माहौल है ये बच्चे कुछ नहीं जानते, ना ही आप कुछ जानते हो। नहीं सर ऐसा नहीं है, बदतमीज। मैं इसकी कंप्लेंट शिक्षा मंत्री से कर दूंगा। अच्छा ये करना कर दीजिए शिक्षा मंत्री से। हाँ। वो भी हमारे साथ लेकर जीजा हाथ देख लेंगे आप। मैं आप सबकी कंप्लेंट जरूर करूंगा। अरे भाई ये तो गड़बड़ हो गई, पूरी की पूरी गड़बड़ हो गई। इंस्पेक्टर तो चले अब मंत्री के पास बताने कि क्या क्या हुआ। वैसे भी तो होने जाने वाला कुछ है, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सारी दुनिया जानती है कि भारत के मंत्री नेता कैसे। अच्छा नेता तो मुझे भी तो नहीं आता। गए नेता और ईमानदारी, क्या बात करते हो श्रीमान। नेता और ईमानदारी, क्या बात करते हो श्रीमान। जैसे पंजाबियों की बस्ती में नाई की दुकान। आज आप भी जानते हैं नेताओं में क्या है, सिर्फ घुसखोरी, परिवारवाद। अपने परिवार के हैं तो लगा दो काम पे, दूसरे के हैं तो घूस लेके काम करो, लेकिन काम करो, करना तो पड़े और करते भी हैं। एक बात और, अब तो हम सब वोट देते हैं, सब कुछ देते हैं, सारे लोग लगभग यहाँ 18 अबव के हैं, तो नेताओं पर मुझे दो लाइन और याद है। लोग भरोसा करें तो किस पे करें, लोग भरोसा करें तो किस पे करें। मिट्टी के बने ये लोग कागज के टुकड़ों पे ही बिक जाते हैं। हाँ तो फिर चलिए देखते हैं क्या होता है मंत्री जी के दफ्तर में, क्या करने वाले हैं मंत्री जी और इंस्पेक्टर। तो ठीक है चलिए देखते हैं, लेट्स एंजॉय। सर 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 सर, क्या हुआ भाई क्या हुआ? अरे सुनो तो मेरी बात सर। अरे बैठिए पहले, बात करेंगे बैठिए। सर बहुत खराब माहौल है सर, बैठने का फुर्सत नहीं है। अरे बैठिए, बहुत मुंह चलाइए बच्चे आइए। अब बोलिए क्या हुआ बताइए। सर बड़ा खराब माहौल चल रहा है सर, स्कूल के बच्चे यहाँ तक के नहीं, ये तक के नहीं जानते कि शिवजी का धनुष किसने तोड़ा। सुनाइए क्या इशू हुआ है पिछले 3 साल में स्कूल वालों, बताइए जी। सर इसमें टेबल कुर्सी पंखे लाइट ये सब लिखा रहा सर जी इसमें। रुका रुक, कहाँ बोले आप? शिवजी का धनुष, शिवजी नहीं इसको कैसे तोड़ देंगे बोल बताइए। शिवजी का धनुष, शिवजी। अरे काहे के सिर्फ ध्यान नहीं जानते को। अरे का गलत बात फैलाते हो आप स्कूल के बारे में सर, कोई जानता नहीं है। अगर तोड़ा इसको ही नहीं किए हम तो तोड़े हो तो बताइए। सुनिए मेरी बात, जो ना चेहरे इसको ही नहीं होता करता है वो टूटे कैसे? जब टूटे नहीं करते तो बाबो कौन बताया आपको टूटा है? शिव जी का ये हर सब कॉपी कर गई हमारी डेट ऑफ बर्थ भी है ये बात। सर मैं बता रहा हूँ आपको, स्कूल की परिस्थिति बहुत गंभीर है, बच्चे ये तक नहीं जानते कि शिवजी का धनुष किसने तोड़ा। शिवजी देखिए भाई साहब बात सुनिए,
आप कहा तू सकता आप कहा पर नाम करते हो हमारे मास्टर को, वो भी हमारा जिद्दत का साल है समझे सर। आप मेरे छोड़िए आपको अपनी नौकरी प्यारे है कि नहीं सर? सर है कि नहीं? है कि नहीं? दबा दे ये सब तो हो गया। अब मैं एक सेकंड आप सबको बताना चाहूंगा, ना तो बच्चे जानते थे कि धनुष किसने तोड़ा, ना ही टीचर जानते थे यानी मास्टर जी, ना मंत्री जी एक बताओ, ना ही इंस्पेक्टर, उन्हें भी नहीं पता। ये तो हो गया, मुझे भी नहीं पता है। लगा आप लोगों को प्ले जैसे की उम्मीद थी सबको अच्छा ही लगा होगा, और नहीं भी लगा तो बोलना मत यार, अच्छा लगा, मेहनत बहुत की उन लोगों ने। तो अब मैं चाहूंगा कि शायरी के लिए एक बार मयंक पाठक को बुला लिया जाए, जो सब लोग चाहते हैं ना मयंक को यहाँ पर। हाँ तो मयंक पाठक प्लीज। सीधे सीधे बिना किसी तबीयत के सीधे शायरियां आज करूंगा, समय ज्यादा नहीं है। पढ़ता हूँ कि लू भी चलती थी, सुनिएगा आप लोग, कि लू भी चलती थी तो हवा कहते थे, लू भी चलती थी तो हवा कहते थे, लू भी चलती थी तो हवा कहते थे, पांव फैलाए अंधेरों को जिया कहते थे। क्या हुआ? अरे बचाओ यार, ऐसे क्या बोल। लू भी चलती थी तो हवा कहते थे, लू भी चलती थी तो हवा कहते थे, पांव फैलाए अंधेरे को जिया कहते थे, और उनका उनका अंजाम तुम्हें मालूम नहीं शायद, उनका उनका अंजाम तुम्हें मालूम नहीं शायद, और भी लोग थे जो पुत्र खुदा कहते थे। और पढ़ते कि मोहब्बत में जरूरी है रवादारी, मोहब्बत में जरूरी है रवादारी समझता है, मोहब्बत में जरूरी है रवादारी समझता है, वो रोजा तो नहीं रखता पर आफ्तारी समझता है, वो रोजा तो नहीं रखता पर आफ्तारी समझता है। और अचानक दर्द की उठती लहरें बांसुरी से जो निकलती हैं, अचानक दर्द की उठती हुई लहरें जो बांसुरी से निकलती हैं, गिरती है जो राधा पर, वो सिर्फ गिरधारी समझता है। और पढ़ता हूँ कि बिछड़ जाऊं तो फिर रिश्ता तेरी यादों से जोड़ूंगा, बिछड़ जाऊं तो फिर रिश्ता तेरी यादों से जोड़ूंगा, मुझे जिद है मैं जीने का कोई मौका ना छोड़ूंगा, बिछड़ जाऊं तो फिर रिश्ता तेरी यादों से जोड़ूंगा, मुझे जिद है मैं जीने का कोई मौका ना छोड़ूंगा। और मोहब्बत में वफा कैसी, तलब की शर्तें क्या, मैं उसका हो ना हूं, वो मेरी हो ना हो, मैं तो उसी का होके छोड़ूंगा। आगे जो लोग बैठे इसमें DSW सर को छोड़ दीजिए, तो कोई ताली नहीं बजा रहा है, केवल DSW सर ताली बजा रहे हैं, कहने का तात्पर्य समझ गए होंगे आप लोग। इन लोगों के लिए पढ़ देता हूँ, गुरूर में है लोग कि इश्क की शायरी पढ़ना है, क्या ताली बजाए। बताता हूँ कि किया है खुद को बर्बाद इश्क करने लगे, इश्क करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे आप, कि किया है खुद को बर्बाद इश्क करने लगे, हम नमूने हैं इश्क के बर्बाद हुए, कि किया है खुद को बर्बाद इश्क करने लगे, जब आ गई है उसकी याद इश्क करने लगे, किया है खुद को बर्बाद इश्क करने लगे, जब आ गई है उसकी याद इश्क करने लगे। और बड़े बड़ों को हमने बिगाड़ा है मयंक, बहुत त्रास है हमको कि बड़े बड़ों को हमने बिगाड़ा है मयंक, मेरे लहजे में उस्ताद इश्क करने लगे। ऐसे घूर के देख रहे जैसे कोई है ही नहीं, ना देख इतनी हिकारत से हम मदीनों को। समय का मैं एक और पढ़ के चला जाता हूँ,
कि लोग कहते हैं मुझे प्यार सिखाना नहीं आ, लोग कहते हैं मुझे प्यार सिखाना आए, जो मैं गा दूं तो वही सारा जमाना गाए। लोग कहते हैं मुझे प्यार सिखाना आए, जो मैं गा दूं तो वही सारा जमाना गाए। फिर भी एक गीत है जो प्राण में चुपचाप पड़ा, कई जन्मों से मेरे होठों पे आना चाहे, कई जन्मों से मेरे होठों पे आना चाहे। आखिरी गीत वही, बस एक गीत वही, आखिरी गीत वही मुझसे गवा दे सावन। इश्क बुझता है मुझे कुछ तो हवा दे सावन, इश्क बुझता है मुझे कुछ तो हवा दे सावन। और माँ पे एक शेर जो पिछली बारी पढ़ा था आप लोग के लिए पढ़ देता हूँ कि मुझे मेरे दिल ने नहीं, मुझे मुझे मेरे दिल ने नहीं मेरे हालात ने नजदीक किया, मुझे मेरे दिल ने नहीं, मुझे मेरे दिल ने नहीं हालात ने नजदीक किया। धूप में दूर से हर शख्स सजर लगता है, धूप में दूर से हर शख्स सजर लगता है, और इस जमाने में गनीमत है मियां, बाहर से भी कोई दरवेश अगर लगता है। और एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई मयंक, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई मयंक, एक रात मैंने उससे कहा था माँ मुझे डर लगता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो मयंक की शायरी के बाद मैं समझता हूँ एक गाना भी हो जाए तो अच्छा होगा आप लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा मुकेश को सोलो सॉन्ग के लिए। प्लीज गिव हिम अ बिग हैंड प्लीज। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम गोइंग टू सिंग ए सॉन्ग। This song is